ये देखें, ये हम पोटैटो स्टिक रिंग लगवा रहे हैं अंकल से, तो ये देखें, ये इसके ऊपर पोटैटो है, उनको रोल किया हुआ है और ये इसके अंदर लग रही है। तो अंकल क्या नाम है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है? ये बेसन होता है, मैदा होता है, मकई का आटा होता है, चावलों का पेस्ट होता है। चावलों का, तो ये इसके ऊपर एक पूरा आलू लगता है या हाफ लगता है? पूरा आलू होता है, लेकिन वो कम से कम आधा किलो के ऊपर का होता है। अच्छा, आधा किलो, आधा किलो की स्टिक है, कह सकते हैं आधा किलो आलू की। आधा किलो के आलू की। तो भाई ये देखें आप, ये आधा किलो आलू की स्टिक है और इसके ऊपर अंकल ने बताया कि बेसन, मैदा और मकई का आटा, चावलों का पेस्ट, चावलों का पेस्ट, ये सारे मिक्सचर को कंबाइन करके इस तरह की अच्छी भी चीज तैयार होती है। लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा है और इस मौसम में अगर आपको ये चीज मिल रही है, मैं कहता हूँ क्या बात। भाई लोकेशन बताएं जरा आपने। जो अंकल की लोकेशन, अंकल की लिंक रोड मैकडॉनल्ड की बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो आप आए, अंकल के पीछे है एसन हेयर सलून, इसकी आप निशानी याद रखें। इसके बाहर अंकल बैठे हुए हैं, तो उनके पास आप आए और ये रिंग स्टिक हमारे कहने पे एक बार पोटैटो रिंग स्टिक इसको जरूर ट्राई करें। देखिए अभी स्टिक रेडी होके आ गई है, तो अब अंकल देखते हैं इसको सर्व कैसे करते हैं। तो अभी ये इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है उसको निकाल रहे हैं इसके अंदर से, तो उसके बाद इसको फिर सर्व किया जाएगा। काफ़ी फेमस है ये लाहौर के अंदर पोटैटो स्टिक, काफ़ी जो बच्चे वगैरह हैं इसको बड़ी लाइक करते हैं। जी भाई, आप भी इसको बहुत लाइक करते हैं। गाइस आज बड़ा अच्छा मौजूद है, चेक करें मार भाई, इसको दिखाएं आप। ये देखिए इसके ऊपर ये चाट मसाला, चाट मसाला है ये जी, ये चाट मसाला आ गया जी इसके ऊपर। उसके बाद चेक करें ये कैचअप जी, ये कैचअप चिली सॉस, चिली सॉस ये इंडिया से इम्पोर्ट किया भाई, ये इंडिया से इम्पोर्ट किया। ये मायोनीज, ये अंटार्कटिका की मायोनीज आ गई है, अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ से ये मायोनीज मंगाई गई है। और ये चिली सॉस, ये वो चिली ग्रीन सॉस आ गई है, जैसे पाकिस्तान भी ग्रीन है ये सॉस भी ग्रीन है। तो ये देखें आप, काफ़ी गर्म भी है अभी इस टाइम, तो बड़ी अच्छी मार भाई देखें ज़रा आप, बड़ी अच्छी चीज़ तैयार हुई है एक। तो भाई इसका आप रिव्यू करें, टेस्ट किधर से क्या है, समझ नहीं आ रही, तो उसको ना मैं टेस्ट करने लगा हूँ, तो उसको मैं अब टेस्ट करूँगा, तो होप सो मेरा मुँह ना जले। बाकी ये फुल चीज़ भाई कैसा फ्लेवर है इसका? अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, जैसे पोटैटो को फ्राई किया होता है बेसन के अंदर, उस तरह का फ्लेवर है। उसके ऊपर चाट मसाला है, यानी इसका टिपिकल पोटैटोस का आपको हाँ, टेस्ट इसको कंबाइन करके अच्छा फ्लेवर आ रहा है, अच्छा टेस्ट आ रहा है जी जी। तो एक और बात, भाई इसकी प्राइस बताएंगे? प्राइस है इसकी 150 रुपीज़। और जैसा कि अंकल ने आपको बताया कि इसके अंदर हाफ के जी, आधा किलो का एक पोटैटो होता है तो वो जाता है, हाफ के जी का पोटैटो। और ये खास तौर पे पोटैटो कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया है ये आप बता सकेंगे? ये जो पोटैटोज हैं ये लोकली पाकिस्तान के पोटैटोज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पोटैटोज वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, अपने वर्ल्ड वाइड फेमस हैं जी जी, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो उमर भाई अब आप टेस्ट करें जी। ये उमर भाई आप टेस्ट कर रहे हैं जी, उमर भाई कैसा लग रहा है आपको इसका टेस्ट? फ्राइज वाला टेस्ट है, फ्राइज वाला। तो उमर भाई आपको इसके अंदर जो इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी है, थिकनेस से क्रिस्पी अंदर से।